So a very good morning to all of you guys. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. Main hu Manish Mishra, and guys, in today's session we are going to discuss some more important questions from the PIB. So let's start the session, guys. But before we begin, do subscribe to our channel and press this bell icon, and also you can join our Telegram group for daily quizzes. Okay, and these are the four topics, guys, that we are going to discuss today. First of all, we'll discuss the Namami Gange mission ke andar 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर इन उत्तराखंड. देन वी विल डिस्कस डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 एंड आईडेक्स 4G. एनएसओ रिपोर्ट आई हैड फॉर द टाइम यूज इन इंडिया इन द ईयर 2019 एंड सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज. मतलब कि महाराष्ट्र ने लेट मी टेल यू द न्यूज फर्स्ट. इसमें छोटी सी न्यूज है बस कि महाराष्ट्र ने जो है वो लूज सिगरेट्स और बीडीज पे बैन लगा दिया गया, उनकी सेल पे बैन लगा दिया है. और हम इससे रिलेटेड काफी सारे प्रोविजन सीखेंगे कि हमारे देश में टोबैको से रिलेटेड क्या, टोबैको को रोकने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस विद क्वेश्चन नंबर 1. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीएम रिसेंटली इनॉग्रेटेड 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे मिशन इन उत्तराखंड. ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर बेस्ड ऑन द सेम न्यूज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द न्यूज. व्हाट इज द न्यूज? So under this Namami Gange mission, 6 mega development projects have been launched in Uttarakhand, and all of these projects are what? Sewage treatment plants. ये सारे के सारे क्या हैं? Sewage treatment plants हैं. As you can see in this figure, ये एक sewage treatment plant का outlay है. तो ये जितने भी 6 के 6 mega development projects हैं, all of them are sewage treatment plants. और ये सारे जो plants हैं, ये inaugurate किए गए हैं at the 4 places. कौन-कौन से 4 places हैं? ये हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती एंड बद्रीनाथ. ओके, एंड द एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एट मुनि की रेती इज इंडियाज फर्स्ट 4 स्टोरीड एसटीपी. 4 मंजिल का एसटीपी है ये, इंडिया का फर्स्ट. ठीक है, इट इज द कंट्रीज फर्स्ट 4 स्टोरीड एसटीपी व्हिच इज लोकेटेड एट मुनि की रेती. एंड आफ्टर दिस ऑल द 30 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एसटीपीज विच आर रनिंग इन उत्तराखंड आर कंप्लीटेड. जितने भी प्रोजेक्ट थे 30 प्रोजेक्ट 100% प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं उत्तराखंड के, दैट आर रिलेटेड टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, एंड इसके अलावा कुछ और इनॉग्रेशन भी की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर. लाइक देर इज अ बुक जिसका नाम है रोइंग डाउन द गैंजेस, एंड दिस बुक गाइज हैज बीन को पब्लिश बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इन दोनों ने मिलकर इस बुक को पब्लिश किया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इसके अलावा अ न्यू लोगो ऑफ जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का नया लोगो है, उसका इनॉग्रेशन किया गया. दिस इज द न्यू लोगो. एंड अदर देन दिस देर इज वन म्यूजियम दैट हैव बीन इनॉग्रेटेड. द नेम ऑफ द म्यूजियम इज व्हाट? गंगा अवलोकन मिशन. सो दिस म्यूजियम गाइज इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम विच प्रोवाइड्स विच एनहांस the understanding of the heritage of the holy river Ganga. Other than this, Marg Darshika for Gram Panchayats and Pani Samiti. What is this? Basically, this is guideline for, Marg Darshika ka matlab hota hai guideline. Guideline for village panchayats and water committee under the Jal Jeevan Mission. And guys, these Pani Samiti or you can say water committee, these are the sub-committees under Gram Panchayats which are entrusted with the objective of planning, implementation, management of all the in village, you know, water supply infrastructure. Jo bhi village, in village water supply infrastructure jo bhi hota hai, usse related jo bhi kaam hai, uska management, uska implementation, uska development, wo sara ka sara kaun karte hai? Pani Samiti ya phir water committee. Iske alawa there is 100-day campaign that will be start from 2nd October. उसको अनाउंस कर दिया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर टू इंश्योर ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी स्कूल एंड आंगनवाड़ी अक्रॉस द कंट्री. पूरे देश में जितने भी स्कूल और जितने भी आंगनवाड़ी हैं, सभी में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को पहुंचाने के लिए ये 100-day का कैंपेन चलाया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 2nd October. राइट, एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द नमामि गंगे प्रोग्राम. सो आई होप आप सबने नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जरूर सुना होगा. इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2014 विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ abatement of pollution in the river Ganga and its rejuvenation and conservation. River Ganga ke rejuvenation aur conservation aur wahan ke jo pollution hai usko khatam karne ke liye this Namami Gange program was launched in 2014. It is implemented by National Mission for Clean Ganga which is under the Ministry of Jal Shakti which is headed by Gajendra Singh Shekhawat. Okay, Gajendra Singh Shekhawat is the Minister for Jal Shakti. और ये इसके 4 मेन पिलर्स हैं. सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डेवलप किया जाएगा जैसा कि अब हमने समझा.
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उत्तराखंड के अंदर डेवलप किए गए हैं, 30 और सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडायवर्सिटी एंड एफॉरेस्टेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना है ताकि वो रिवर गंगा को पोल्यूट ना करें। ओके, सो गाइस दिस वाज अबाउट दिस न्यूज। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीएम रिसेंटली इनॉग्रेटेड दीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड। सो इन हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनिकीरेती एंड बद्रीनाथ, इन सभी जगहों पे इसको इनॉग्रेट किया गया एक्सेप्ट देहरादून। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द नमामि गंगे प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो रिमेंबर दिस, वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑलराइट। सो स्टेटमेंट नंबर वन इज इट हैज ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड रेजुवेनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ गंगा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट वॉज लॉन्च इन 2015, नो गाइज, इट वॉज लॉन्च इन 2014, राइट आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इन टू पावर। इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वी हैव ओनली वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ओनली टू, ऑप्शन सी ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर हियर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर थ्री इज अबाउट द डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज एंड IDEX 4 फौजी इनिशिएटिव जो कि लॉन्च हुआ है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन अमंग सोल्जर्स। ओके, सोल्जर्स के अंदर इनोवेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। सो देर इज वन चैलेंज एंड वन इनिशिएटिव, IDEX 4 फौजी। ओके, द नेम ऑफ द चैलेंज इज वॉट, Defense India Startup Challenge, and this initiative is IDEX 4 4G. These two initiatives have been launched by the Ministry of Defense. And other than this, we have Product Management Approach. Product Management Approach भी है जो जिसको launch किया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। So all of these are launched under the IDEX event of the Ministry of Defense. जो Ministry of Defense है वो IDEX event चलाती है अपना। फ्रॉम द ईयर 2018, 2018 से इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है IDEX. IDEX stands for Innovation for Defense Excellence. Innovation for Defense Excellence. Okay. So इस इवेंट के अंदर ये चारों चीजें लॉन्च किया गया है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज एंड IDEX 4 4G एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, राइट। सो ये जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच है, इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया है अब, और इसमें होगा ये कि जितने भी प्रोटोटाइप डेवलप किए जा रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करना है, जो प्रोटोटाइप हम डेवलप करते हैं उसको जल्दी से जल्दी मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ सेक्शन 8 कंपनी, विच इज अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट द सेक्शन 8 कंपनीज। सो व्हाट आर दी सेक्शन 8 कंपनीज, सो दीज आर द नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज। ये सारी की सारी कैसी होती है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स अंडर द, एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, एंड जो IDEX 4 4G इनिशिएटिव है, इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन अमंग द सोल्जर्स। सोल्जर्स के अंदर जो इंडियन जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स हैं उनके अंदर इनोवेशन प्रमोट करने के लिए अगर उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, बिकॉज वो बॉर्डर पे रहते हैं तो उनको ज्यादा पता है वहां की सिचुएशन के बारे में, तो जो बॉर्डर की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए या वहां की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए अगर सोल्जर्स के पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं तो वो इस IDEX 4 4G इनिशिएटिव के तहत प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। एंड वॉट अबाउट दिस चैलेंज, सो अंडर दिस चैलेंज 11 चैलेंज, कितने चैलेंजेस हैं इसके अंदर, 11 चैलेंजेस है दैट हैव बीन प्रोवाइड बाय द आर्म्ड फोर्सेस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और डिफेंस PSU। ये जितने भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उन सभी ने टोटल 11 चैलेंज प्रोवाइड कराए हैं टू द स्टार्टअप्स, टू द इनोवेटर्स, टू द एंटरप्रेन्योर्स। ओके, और उन सभी चैलेंजेस को सॉल्व करने का काम है टू दोज स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट IDEX। सो गाइज, इट वॉज लॉन्च इन 2018 विद एन ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज इनोवेशन इन द डिफेंस प्रोडक्शन में इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2018 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड फुल फॉर्म वी ऑल नो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस।
ऑल इनिशिएटिव अंडर IDEX आर इंप्लीमेंटेड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, एज आई टोल्ड यू DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विच इन शॉर्ट इज BEL, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विच इज HAL. ओके, सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज गाइज. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव has been launched by the Defense Ministry for promotion of innovation among soldiers. So the name of the initiative is what? IDEX4 Fauji. Okay, Fauji stands for soldier. और आपको ऐसे confuse करने के लिए अलग अलग options भी दिए जा सकते हैं, like soldier दे दिया, सेना दे दिया, शक्ति दे दिया, innovation दे दिया, but you don't have to confuse. Just remember the name of the initiative IDEX4 Fauji, because it is for promotion of innovation among the soldiers. Okay. And now let's move on to question number 4, which is about the NSO time use survey. So NSO का एक time use survey आया है, जिसमें NSO ने ये बताया है कि हमारे देश में कितने लोग कितना समय अलग अलग activities में spend करते हैं. Okay, so इस report में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, because ये बहुत ज्यादा comprehensive report है, बहुत ज्यादा details है इसके अंदर. Like अलग अलग activities के लिए अलग अलग minutes बताए हुए हैं कि कौन male, female और overall कितने लोग कितने minutes use करते हैं, तो हमें उतना नहीं पढ़ना. थोड़ा सा डेटा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राइट डाउन इन द कमेंट्स. सो दिस मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड दिस सर्वे, टाइम यूज सर्वे फॉर द ईयर 2019 के लिए ये किया गया था, और इसमें यह बताया गया, ये जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था, टू मेजर द टाइम स्पेंड बाय मैन एंड वुमेन, टाइम spent by men and women on different activities, अलग अलग activities पे सभी लोग कितना time spend करते हैं उसको measure करने के लिए this survey was done by Ministry of Statistics and Program Implementation, and this is for the first time. ये ऐसा पहली बार कोई survey हो रहा है हमारे देश में, और इसमें जो information ली गई थी वो उसका जो age group था वो था 6 years and above, 6 साल और उससे ऊपर का जो भी है, उन सभी से information gather की गई about the activities they are doing during the whole day. इसमें जो मेथड यूज हुआ था, दैट वाज पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनली इंटरव्यू किया गया सभी सिलेक्टेड पर्संस का जिनसे इंफॉर्मेशन लिया गया है, एंड दीज आर द 3 key indicators. ये 3 key indicators की बात की गई इसमें. पार्टिसिपेशन रेट इन अ डे इन एनी एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में एक दिन में क्या पार्टिसिपेशन रेट है. ओके, एवरेज टाइम स्पेंट इन अ डे पर पार्टिसिपेंट फॉर एनी एक्टिविटी, एंड एवरेज टाइम स्पेंट इन अ डे पर पर्सन फॉर एनी एक्टिविटी, पर पर्सन कितना टाइम लग रहा है और पर पार्टिसिपेंट कितना टाइम लग रहा है. अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर पर्सन का यहाँ पे मतलब है कि इसमें वो पर्सन भी इंक्लूड है दैट आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. ओके, वाइल यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है इसमें सभी वो लोग आ जाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके, एंड दिस इज some data that has been provided by the NSO. इसमें बहुत सारा data है, but this is इतना data अगर आप पढ़ लोगे तो काफी है. और इसमें जो सबसे important data है वो ये है कि only 38.2%, ये percentage में है data guys, remember this, ये data है percentage में कि only 38.2% in our country are indulged in employment and related activity during the whole day. केवल 38.2% ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कि employment और उससे related activities में अपना समय यूज करते हैं पूरे दिन में. ओके, इसके अलावा अनपेड डोमेस्टिक सर्विस के लिए 53.2% लोग हैं, अनपेड वॉलंटियर ट्रेनी एंड अदर अनपेड वर्क के लिए केवल 2.4% है. इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में सोशल वर्क का जो बेस है वो बिल्कुल हिला हुआ है, हमारे देश में सोशल वर्क के नाम पर कुछ भी नहीं होता है. इसके अलावा लर्निंग में केवल 21.9% ऐसे लोग हैं जो कि अपने पूरे दिन में से कुछ समय निकाल के लर्निंग को देते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी लेस परसेंटेज. एंड अदर देन दिस, सेल्फ केयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान हमारे देश में सबको है. सो 100% मेल, 100% फीमेल, और ओवरऑल भी 100% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कि पूरे दिन में सेल्फ केयर या अपनी मेंटेनेंस का के ऊपर समय बिताते हैं. ओके, सो दिस इज सम बेसिक डेटा गाइस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सर्वे. This survey has measured the time spent by men and women on paid and unpaid activities. This is absolutely correct. It was conducted for the first time. Yes. And according to the report, 48.2% people in India are engaged in employment and related activities. No. The percentage is how much? 38.2%. The very less percentage this is.
केवल 38.2% हमारे देश में ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। सो वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच मीन्स ऑप्शन सी ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। ओके एंड नाउ गाइज लेट्स कम बैक टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो लास्ट क्वेश्चन जो है वो डे का हमारा वो टोबैको के ऊपर है कि हमारे देश में जो टोबैको कंट्रोल के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन कर दिया है क्या, सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज। ओके जितने भी लूज सिगरेट्स और बीडीज बिकती थी महाराष्ट्र में उनके सेल पे बैन कर दिया गया है। एंड दिस इज उद्धव ठाकरे द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लूज सिगरेट्स और बीड़ी को बैन कर दिया है। और ये बैन इसलिए किया गया है ताकि जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया जाए, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टोबैको। एंड इसके अलावा जो कोटपा एक्ट है, कोटपा स्टैंड्स फॉर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, इस एक्ट के जितने भी प्रोविजन है उसको फॉलो करने के लिए इस कदम को उठाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एंड इसके अलावा रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने भी बैन कर दिया था द सेल ऑफ लूज बीडीज एंड सिगरेट। एंड देयर इज वन मोर स्टेट कर्नाटका जिसने 2017 में बैन कर दिया था द सेल ऑफ लूज बीडीज एंड सिगरेट। ओके सो दीज आर द टू अदर स्टेट्स दैट हैज ऑल्सो बैंड द सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज। एंड वट आर द रीजन दैट हैव बीन गिवन, सबसे पहला तो यही है कि टू मेक श्योर दैट द यूजर्स आर एबल टू सी द मैंडेटेड वार्निंग्स ऑन द सिगरेट पैकिंग। जो सिगरेट की पैकिंग के ऊपर वार्निंग आती है तो अगर कोई पर्सन लूज सिगरेट लेता है तो उसको वो वार्निंग नहीं दिखेगी। सो ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी स्मोकर है वो अब उस वार्निंग को देखेगा, ये इंश्योर करने के लिए इस कदम को उठाया गया है। एंड इसके अलावा अंडर कोटपा टोबैको प्रोडक्ट्स नीड टू बी सोल्ड विद ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स। तो इसलिए जो लूज सिगरेट है वो इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो लूज सिगरेट ऑब्वियसली उसके ऊपर तो कोई जो वार्निंग है वो नहीं होती है। सो इस प्रोविजन को फॉलो कराने के लिए ये बैन लगाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ टोबैको यूज इन इंडिया, सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, सो ये एक सर्वे था जिसका नाम है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र हैज द लोएस्ट टोबैको प्रिवलेंस इन आवर कंट्री, महाराष्ट्र में सबसे कम है। अदर देन दिस 10.7% ऑफ ऑल द एडल्ट इन इंडिया स्मोक टोबैको, इंडिया के अंदर 10.7% एडल्ट ऐसे हैं ऑफ द एडल्ट ऐसे हैं जो कि टोबैको स्मोक करते हैं। अदर देन दिस ओवर 90% ऑफ द करंट स्मोकर्स इन द कंट्री बिलीव दैट स्मोकिंग कॉजेस सीरियस इलनेस, वो मानते हैं पर वो छोड़ते नहीं है। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर अ सिगरेट स्मोकर इज ₹1100 पर मंथ, एक एवरेज स्मोकर का जो खर्चा है वो ₹1100 पर मंथ का है, ये भी एवरेज है और जो ज्यादा पीते हैं ऑब्वियसली उनका ज्यादा होगा। ओके एंड अदर देन दिस 68% ऑफ द स्मोकर्स बाय लूज टोबैको प्रोडक्ट्स, और एज पर द टोबैको फ्री यूनियन, एक ये टोबैको फ्री यूनियन है, इसके अकॉर्डिंग ओवर 1 मिलियन पीपल हर साल, ओवर 1 मिलियन पीपल डाई ऑफ टोबैको रिलेटेड डिजीजेस, टोबैको रिलेटेड डिजीजेस से उनकी मृत्यु हो जाती है हर साल। ओके एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द टोबैको कंजम्पशन, सो इंडिया रेटिफाइड द WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इन 2004 में WHO का एक कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट जो कि हमने पढ़ा अभी 2003 में पास किया गया। अदर देन दिस वी हैव नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2008, वी हैव सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स 2020, एंड अंडर दिस जो भी प्रिंसिपल विजिबल एरिया है, रिमेंबर द वर्ड प्रिंसिपल विजिबल एरिया, जो सिगरेट के पैकेट का सामने वाला एरिया होता है उसका 85% जो है वो वार्निंग से कवर्ड होना चाहिए। ओके एटलीस्ट 85% जो है वो वार्निंग से कवर होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल विजिबल एरिया। ओके देन वी हैव एम सेसेशन प्रोग्राम, वन सेकेंड, एम सेसेशन प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि जो स्मोकर्स हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और उधर से जो भी प्रोग्राम के हेल्पर होंगे वो इनको हेल्प करेंगे थ्रू द टेक्स्ट मैसेजेस, उनको मैसेजेस के थ्रू समझाया जाएगा दैट व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग। देन वी हैव केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 जिसमें टोबैको एंड लिकर से रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है वो टीवी पे नहीं दिखाई जाएगी। ओके सो आपने देखा होगा कि अगर किसी लिकर की एड आती है तो वो किसी और फॉर्म में आती है, लाइक अगर आपने कार्लसबर्ग की एड देखी होगी तो वो कार्लसबर्ग वाटर की फॉर्म में आती है, सोडा की फॉर्म में आती है। सो इस तरीके का कोई भी
एडवर्टीजमेंट जो है वो टीवी के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता बाय एनी एजेंसी बाय एनी कंपनी. ऑलराइट, सो दिस इज गाइस सम बेसिक स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल टोबैको कंजम्पशन इन इंडिया. सो इंडिया रेटिफाइड द WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इन 2004. यस, इट वॉज डन इन द ईयर 2004. गाइस पूरा स्टेटमेंट पढ़ा करो, हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन में 2005 लिखा हुआ था, देन दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट, बट यहाँ पे 2004 है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, कॉटपा एक्ट ऑफ 2003, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2008, करेक्ट. एम सेसेशन प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. प्रोजेक्ट सनराइज इज नॉट वन ऑफ द स्टेप दैट हैव बीन टेकन फॉर कंट्रोल ऑफ टोबैको यूज. सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर. एंड आई होप आपको प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में पता होगा. अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट सनराइज. प्रोजेक्ट सनराइज क्या था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे HIV एड्स को कंट्रोल करने के लिए दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च, प्रोजेक्ट सनराइज. ओके, सो ऑप्शन ई गाइज, प्रोजेक्ट सनराइज विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, एंड दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे गाइज. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले सेशन में मंडे को, बिकॉज टुमारो इज 2nd October, योर हॉलीडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.